नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। आज के इस एपिसोड में मैं आपके लिए लाया हूँ एलिवर गली स्कोप का बैट। इसका अनबॉक्सिंग पूरा करेंगे आज के इस एपिसोड में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, तेज हवा को इग्नोर कीजिए और हमारे इस एपिसोड का लुत्फ उठाते रहिए, आगे हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, मेरे हाथ में यह है एलिवर कंपनी का बैट, जिसको हमने लाए थे डायरेक्ट ही एलिवर जो एलिवर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से खरीदे थे। और इसका प्राइस जो था वो था 1600 रुपया। तो दोस्तों, ये है हमारा एलिवर का जो गली स्कोप बैट, इसको अभी मैं निकालता हूँ बॉक्स में से। तो ये बॉक्स ऐसा ही आया था, हमने किस कोई भी चीज़ यहाँ से उमिट नहीं किए हैं। तो देखिए, एक कवर ये था, बाहरी कवर जो था इसका, तो अंदर सिर्फ एक ऐसा ही कवर के साथ ये आया था, ये वाला बैट। जैसे कि पहले वाला जो एलिवर बैट हमने लाए थे हमारे चैनल पे रिव्यू के थे, वहाँ पे एक वो जो बैट को रखने के लिए एक कवर दिया था, वो वाला कवर इसमें नहीं है। ये जो ये टेम्पररी कवर यहाँ पे दिया गया है, उसमें जैसे परमानेंट कवर था, इसमें वो वाला परमानेंट कवर नहीं है। तो इसको पूरा आप देख लीजिए एक बार, इसको हम थोड़ा नीचे रख देते हैं। तो दोस्तों, ये है एलिवर का स्कोप बैट, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लिखा गया है एलिवर गली स्कोप बैट। तो इसका जो स्कोप होने का मतलब, यहाँ पे जो देखिए पीछे वाला हिस्से को देखिए, तो ये जो कर्व करके इसको निकाला गया है यहाँ से, तो ये है ये वाला बैट। अभी फिलहाल तो बहुत ट्रेंड में चल रहा है ऐसा ऐसे टाइप का बैट, चाहे जिस भी कंपनी का हो। तो इसको पूरी तरह आप देख लीजिए। ये जो हमने ऑर्डर किया था, ये सिर्फ सॉफ्ट बॉल के लिए लाए थे, जो आप जो हमेशा जो खेलते होंगे, जो सर्कल बाउंड्री में या फिर फुल बाउंड्री में जो खेला जाता है, जो हल्का वाला टेनिस बॉल होता है, उसके लिए ये स्पेशली डिजाइन किया गया है ये वाला बैट, आप देख सकते हैं। तो इसका स्टिकर भी देख लीजिए, यहाँ पे एक अच्छा स्टिकर लगा है। हमेशा आप भी पहले वाले हमने जो जो एलिवर का जो गली बैट किया था, तो उसमें भी जी उसका स्टिकरिंग जो था बहुत ही अच्छा था। और उसमें जैसा कि आपने को आपको दिखाया था हैंडल में जो दो हिस्से थे, इसमें वो वाला नहीं है, ये सिर्फ एक ही हिस्से का हैंडल है। और यहाँ पे कुछ वो जो प्लास्टिक वगैरह देके यहाँ पे थोड़ा उसको अलग सा बनाया गया था, ये वाला इसमें नहीं है। इस वाले एलिवर में ये सिंपली नॉर्मल जैसा बैट मिलता है वैसे ही वाला बैट है। तो दोस्तों, इस बैट को आप अच्छे से आप देख रहे थे, इसका हैंडल भी लॉन्ग हैंडल नहीं है, मीडियम हैंडल है इसका, इसलिए हाथों में बहुत अच्छी तरह से ग्रिप होता है। और इसका जो स्कोप बैट जितने भी होते हैं ना, वो थोड़ा लंबे होते हैं, लेकिन ये वाला बैट में वैसा दिक्कत नहीं है। जैसे कि जेन्युइन बैट होता है वैसे वाला ये उसी हाइट का बैट है, आपको इसके लिए वो खड़े होकर एक शॉट खेलने की ज़रूरत नहीं है। ये हम जैसे नॉर्मल खेलते हैं नॉर्मल बैट में, इस बैट में भी वैसा ही खेल सकते हैं आप। तो इसका जो वेट है ये बहुत ही हल्का है, देखिए ये बहुत हल्का है आप, क्योंकि हमें इसमें सॉफ्ट टेनिस बॉल ही खेलना है, इसलिए बहुत हल्का है। तो इसको आप अच्छी तरह से उठा के खेल सकते हैं ये वाला बैट। और इसका एंगल भी देखिए, ये थोड़ा बहुत एंगल हुआ है, जैसे कि इसका जो एंगल इतना भी ज़्यादा नहीं है। और इसका एजेस भी आपको दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए, ये एजेस इतना मोटा भी नहीं है, क्योंकि जो हमें इसमें सॉफ्ट टेनिस बॉल ही खेलना है, तो इसको इसका एजेस को मोटा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बैट बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और बाकी आप लोगों को देखिए, इसका तो प्राइस था 1590 रुपया, तो मैं इसको 1600 ही बोलूँगा। तो इसमें आप अगर आपको अच्छा लगे तो आप खरीद सकते हैं ये वाला बैट, सॉफ्ट टेनिस बॉल के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप इसको अगर ला के खेलते हैं, और उसमें देखिए ये तो लुक में भी बहुत अच्छा है, देखिए। और ये अभी फिलहाल ये जो एलिवर कंपनी 2 साल पहले बना था, तो उसमें उस वक्त एलिवर कंपनी को कोई नहीं जानता था, अभी तो फिलहाल एलिवर का बहुत चर्चा हो रहा है चारों तरफ। तो आपको ब्रांड बैट भी मिल रहा है, तो अगर आप चाहें तो इसको आप खरीद सकते हैं। अभी फिलहाल ये सिर्फ इसका जो एलिवर का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर मिलता है, आप इसको जाके वहाँ पर खरीद सकते हैं। और ये जो बैट है ना, ये 7 डेज रिटर्न पॉलिसी में आता है, वहाँ पे जाके आप अगर आपको अच्छा नहीं लगता है वहाँ पे आप रिटर्न भी कर सकते हैं 7 दिन में। तो दोस्तों, फिलहाल ये था इस बैट के बारे में। अगर आपको कुछ भी और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।
आशा करता हूँ ये जो एपिसोड है आप बहुत एंजॉय किए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और हमारे जो वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को बेल आइकन को सेट करना मत भूलिए। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ।